जो है जो पढ़ा था उसे भी थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, उसके बाद जो है हम आगे जो केमिस्ट्री के ब्रांचेस जो आज का टॉपिक है वो भी स्टडी करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर हूँ सर संजय कुमार। आज जो है हम साइंस के बारे में रिवीजन करेंगे, केमिस्ट्री के बारे में रिवीजन करेंगे, और इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री जो मैंने आपको कल बताई थी वो आज आप मुझे समझाएंगे, और हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में भी स्टडी करेंगे आज। तो सबसे पहले हमने कल साइंस के बारे में पढ़ा था, तो साइंस जो है वो नेचुरल वर्ल्ड की स्टडी को कहते हैं। साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। जो तजुर्बों और मुशाहिदों की बुनियाद पर जो दुनिया की स्टडी की जाती है उसे हम कहते हैं साइंस। तो फर्दर साइंस को क्लासिफाई किया गया है फिजिकल साइंस में और बायोलॉजिकल साइंस में। वैसे हमारी यूनिवर्स जो है वो मैटर की बनी हुई है, और साइंस में हम सिर्फ मैटर और एनर्जी की स्टडी करते हैं, और फिजिकल साइंस में हम नॉन लिविंग मैटर की स्टडी करते हैं, बायोलॉजिकल साइंस में हम लिविंग मैटर की स्टडी करते हैं। तो इसीलिए फिजिकल साइंस में हम नॉन लिविंग मैटर की स्टडी करते हैं, इसीलिए फिजिकल साइंस को फर्दर दो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। नंबर वन फिजिक्स, नंबर टू केमिस्ट्री। इसके अलावा बायोलॉजिकल साइंस में हम सिर्फ लिविंग मैटर की स्टडी करते हैं। तो ये आपको स्लाइड शो हो रही है? यस सर जी गुड, ये हमने कल पढ़ा था, और जो कल नहीं थे इस सेशन में तो आज भले वो इसका स्क्रीन शॉट ले लें अपने मोबाइल से। उसके बाद कल हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री जो है वो मैटर, केमिस्ट्री इट इज़ दी स्टडी ऑफ मैटर। केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर की स्टडी करते हैं, और मैटर के बारे में केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं, सब पहले उसका स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, और जो मैटर में चेंजेस आती हैं उसकी स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। लेकिन हम केमिस्ट्री में मैटर की स्टडी करते हैं, और दुनिया में जो भी मैटर मौजूद है वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है, इसलिए केमिस्ट्री को साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है, क्योंकि हम केमिस्ट्री में मैटर की स्टडी करते हैं, और मैटर जो है वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है, इसीलिए केमिस्ट्री को हम साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। और केमिस्ट्री में आमतौर पर हम एटम्स और मॉलिक्यूल की स्टडी ही करते हैं, ये हमने कल पढ़ा था। और कल मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताई थी वाटर की, कि हम किस तरीके से केमिस्ट्री में मैटर की स्टडी करते हैं। तो अगर हम वाटर के एटम की बात करें तो वाटर भी मीन्स मॉलिक्यूल्स का कंपोज होता है। तो अगर हम वाटर के पहले कंपोजिशन देखेंगे तो वाटर का फार्मूला H2O, मीन्स इसमें दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वाटर की जो स्ट्रक्चर है वो है बेंट, मतलब मुड़ी हुई, तो जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इस तरीके से अटैच है कि वो हमें मुड़े हुए दिखाई देते हैं। अगर हम वाटर की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, मतलब उसमें दुनिया कायनात की हर चीज को हल करने, तकरीबन हर चीज को हल करने की सलाहियत है। मैं सारी चीजें इन्वॉल्व नहीं होती वाटर में, लेकिन तकरीबन सारी चीजें हो जाती हैं। और इसके अलावा आप में से एक स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि इसके अलावा कोई दूसरा एग्जाम्पल ले, तो इस कायनात में जिस भी चीज के हम नॉन लिविंग चीज की स्टडी करेंगे तो वो केमिस्ट्री की एग्जाम्पल है। लेकिन मैंने ये आपके लिए एक दूसरा एग्जाम्पल लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड का, कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है CO2, मतलब इसमें दो ऑक्सीजन है और एक कार्बन है। CO2 का मतलब क्या है, एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन है। और अगर हम इसके कार्बन डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर जो है वो है लीनियर, मतलब बिल्कुल सीधा, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन बिल्कुल सीधी लाइन में एक दूसरे के साथ अटैच है। और अगर हम इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे केमिस्ट्री के लॉज के मुताबिक, तो हमें पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक ब्लैक कलर की गैस है जो आमतौर पर सांस लेने के अमल, जिसे हम रिस्पायरेशन कहते हैं, उसके उससे प्रोड्यूस होती है। हमारे माशरे में कि केमिस्ट्री की स्टडी से हमें ये पता चला कि कौन सी चीज़ हमारे लिए नुकसानकार है, कौन सी चीज़ हमारे लिए फायदेमंद है, कौन सी जड़ी बूटी किस बीमारी के लिए इस्तेमाल होती है,
और कौन सी ड्रग से कौन सी दवाई बन सकती है, और इसके अलावा कौन सी दवाएं ऐसी हैं जिसके जरिए हम अपनी फसलों को बचा सकते हैं, कीड़े मारने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी फसलों को बचा सकते हैं, और कौन से फर्टिलाइजर कौन से मिनरल ऐसे हैं जिनको हम फर्टिलाइजर में इस्तेमाल करके अपनी जमीन को जरखेज बना सकते हैं, ये भी हमें केमिस्ट्री से ही पता चला है कि वो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की जो है वो 9 ब्रांचेस है, जिसके नाम आपको पहली है नंबर 1 फिजिकल केमिस्ट्री, नंबर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नंबर 3 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नंबर 4 एनालिटिकल केमिस्ट्री, नंबर 5 बायोकेमिस्ट्री, नंबर 6 इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, नंबर 7 न्यूक्लियर केमिस्ट्री, नंबर 8 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड नंबर 9 पॉलीमरिक केमिस्ट्री। ये 9 ब्रांचेस हैं। वैसे तो केमिस्ट्री की और भी ब्रांचेस हैं, लेकिन जो मेजर ब्रांचेस हैं वो ये 9 हैं। तो हम वन बाय वन इनकी डेफिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे और आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो पहले है फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लॉज एंड प्रिंसिपल्स गवर्निंग द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन केमिकल रिएक्शन। तो फिजिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की ऐसी शाख है जिसमें हम उन कानून और कायदों की स्टडी करते हैं जिनके जरिए जो केमिकल रिएक्शन के बारे में बताते हैं, या फिजिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की ऐसी शाख है जिसमें हम उन कायदे और कानून की स्टडी करते हैं जो कि हमें एटम और मॉलिक्यूल के केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम और मॉलिक्यूल की कॉम्बिनेशन के बारे में हमें बताती हैं। फिजिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जो केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम और मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं उनके बारे में हमें बताती है। जिस तरीके से मैंने नीचे एक एग्जांपल लिखा है कि कार्बन जो है ऑक्सीजन के दो एटम के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है प्लस इसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो ये रिएक्शन किस तरीके से होता है, कार्बन किस तरीके से ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, इनको स्टडी करने के लिए केमिस्ट्री के अंदर कुछ लॉज और प्रिंसिपल है जिनको कंबाइन हम कहेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम उन कायदे और कानून की स्टडी करते हैं जो हमें एटम और मॉलिक्यूल के बीच में जो केमिकल रिएक्शन होता है उनके बारे में बताते हैं। तो केमिस्ट्री में हम किसी भी चीज़ की स्टडी करने के लिए कायदे और कानून को फॉलो करते हैं, बगैर कायदे और कानून के किसी भी चीज़ की स्टडी हम केमिस्ट्री में नहीं करते। तो केमिकल रिएक्शन में जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं या उनके अंदर जो भी चेंजिंग आती है केमिकल रिएक्शन के दौरान, उस केमिकल रिएक्शन को स्टडी करने के लिए जो कायदे और कानून फॉलो होते हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच में शुमार होते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में वो कायदे और कानून आते हैं जो केमिकल रिएक्शन के बारे में, एग्जांपल भी लिखा है कि किस तरीके से कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और उसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो इस केमिकल रिएक्शन को स्टडी करने के लिए जो कायदे और कानून फॉलो होंगे वो फिजिकल केमिस्ट्री में उनका शुमार होगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम सिर्फ केमिकल रिएक्शन से मुंसलिक या केमिकल रिएक्शन से जो रिलेटेड लॉज और प्रिंसिपल होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री वह शाखा है जिसमें सिर्फ केमिकल रिएक्शन जी स्टडी करता है। सिंपल केमिकल रिएक्शन जी स्टडी करण जे लाइ जेके कायदा ऐं कानून फॉलो थींदा आहिनि उहे फिजिकल केमिस्ट्री जी ब्रांच में शुमार थियनि था। उनका पोइ ॿी आहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको हम नामियाती केमिस्ट्री भी कहते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड की स्टडी करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसकी स्टडी को कहते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सिर्फ उन्हीं कंपाउंड की स्टडी करते हैं जिसमें कार्बन जो है डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड होता है। और आपको पता है इसमें सिर्फ इस ब्रांच में सिर्फ कार्बन की स्पेसिफिक क्यों किया गया है, कार्बन को स्पेसिफिक इसलिए किया गया है कि कार्बन जो है पूरे पीरियडिक टेबल में एक यूनिक प्रॉपर्टी शो करता है। जितने भी एलिमेंट कायनात में उनमें सिर्फ कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन शो करता है। कैटिनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके जरिए कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ कंबाइन होकर बड़ी चेन बना सकता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड की स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम आमतौर पर उन एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग्स के मिलते हैं। गैर जानदार चीज़ों से जो हमें एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिलते हैं उनकी स्टडी को कहते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे कि वाटर हो गया या सोयल मिट्टी हो गई या पानी हो गया, तो ये सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। और नीचे मैंने एक और टर्म का जिक्र किया है जिसे कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। आपको दिखाई दे रही होगी वाइटल फोर्स थ्योरी। तो वाइटल फोर्स थ्योरी पहले ये माना जाता था कि ऑर्गेनिक चीज़ें जो हैं वो सिर्फ जिंदा चीज़ों जिंदा जानदार से ही मिलती हैं। और जो इनऑर्गेनिक चीज़ें हैं वो हमेशा गैर जानदार चीज़ों से ही मिलती हैं। इस थ्योरी को कहा जाता था वाइटल फोर्स थ्योरी। पर वॉलर एक साइंटिस्ट था जिसने इनऑर्गेनिक कंपाउंड में से ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर किया मतलब बनाया, तो वहीं से ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यही डेफिनेशन निकली हुई है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम उन एलिमेंट्स और कंपाउंड की स्टडी करते हैं जो हमें नॉन लिविंग थिंग्स से मिलती हैं, जैसे कि पानी है या सोयल है या मिनरल्स हैं या जो भी नॉन लिविंग थिंग्स से हमें जो भी कंपाउंड या एलिमेंट मिलते हैं उनकी स्टडी को कहते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो पुरानी डेफिनेशन थी वो ये थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उन चीज़ों की स्टडी को कहते हैं जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिले। ये भी सही है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अभी जो मॉडिफाइड डेफिनेशन है वो मैंने आपको पहले बताई थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड की स्टडी करते हैं, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम उन कंपाउंड्स और एलिमेंट की स्टडी करते हैं जो हमें नॉन लिविंग थिंग्स से मिले। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मेथड्स एंड टेक्निक फॉर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ कंपाउंड। तो हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम उन मेथड्स और टेक्निक की स्टडी करते हैं जिसके जरिए हम किसी भी कंपाउंड की क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकें। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस किसे कहते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब है कि क्या मौजूद है, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब है कि कितना मौजूद है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वह ब्रांच है जिनमें पा क्वांटिटेटिव उन्हनि तरीक़नि जी मेथड ऐं टेक्निक जी स्टडी कंदा आहियूं जंहिंजे ज़रिए कंहिं बि कंपाउंड जी क्वांटिटेटिव ऐं क्वालिटेटिव एनालिसिस करे सघिजे थी। क्वालिटेटिव एनालिसिस जो मतिलबु त कंपाउंड में छा मौजूदु आहे, ऐं क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो मतिलबु त कंपाउंड में केतिरो मौजूदु आहे। मिसाल के तौर पर अगरि हम किसी भी फसल से सेब लेते हैं, एक सेब का सैंपल लेते हैं, तो सबसे पहले हम उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे। ये देखेंगे कि उस सेब में कौन सी चीज़ कितनी मौजूद है, उसमें कितना प्रोटीन मौजूद है, कितना आयरन मौजूद है, मतलब क्या मौजूद है। पहले हम उसकी करेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस, देखेंगे इसमें क्या मौजूद है, कि इसमें प्रोटीन मौजूद है या नहीं, आयरन मौजूद है या नहीं, ये हम करेंगे इसके क्वालिटेटिव एनालिसिस कि इसमें क्या मौजूद है। उसके बाद हम करेंगे इसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस की मीन्स उसमें कितना मौजूद है, अगर उसमें प्रोटीन मौजूद है तो कितना मौजूद है, आयरन मौजूद है तो कितना मौजूद है, विटामिन कौन से मौजूद हैं और कितने मौजूद हैं। तो ये सब आते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। तो किसी भी चीज़ की क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए
जो मेथड्स और टेक्निक यूज होती है उन्हें कहते हैं हम एनालिटिकल केमिस्ट्री।